नमस्ते। पोस्टल यूनियन की महासचिव जनरल सेक्रेटरी एस एस महादेव बोल रहा हूँ। आज आप लोग के सामने डाक विभाग की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा GDS ग्रामीण डाक सेवक पदों का नियुक्ति के लिए ऑनलाइन मॉडल नोटिफिकेशन इशू किया है। इस नोटिफिकेशन का डेट अप्लीकेशन वगैरह सबमिट करने के लिए लगभग 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक के, इसी तरह अप्लीकेशन वगैरह करने का और रिव्यू करने के लिए 19 फरवरी 20 के अंदर इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। साथियों, इसमें GDS का तीन कैटेगरी GDS है। एक कैटेगरी ब्रांच पोस्टमास्टर है, दूसरी कैटेगरी ABPM है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर है, तीसरी एक कैडर है डाक सेवक करके। ये डाक सेवक भी सब ऑफिस में, नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस में, HO में, इत्यादि जगहों में, बड़ा ऑफिसेस में होगा। साथियों, इसमें स्केल इस प्रकार है, सभी 4 घंटा के लिए पार्ट टाइम का काम के लिए डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन किया है। ऐसे डिपार्टमेंट में 4 घंटा 5 घंटा का अवकाश है, इसलिए BPM के लिए 4 घंटा के लिए 12,000 से लेके 29,380 नोटिफिकेशन TRC का स्लैब है। इसी तरह ABPM और ग्रामीण डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपये तक को पे स्केल बोलता है, इसका TRC टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस बोलता है। साथियों, इसी तरह इसके बाद तो डिपार्टमेंट ने जॉब पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का कुछ इतना IPBP का काम करना है, CSC का काम करना है, और BO में अन्य ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल BPM का होगा। BPM भी और सारे ASP, SSP और SPO, SSPO सो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसी तरह उन्होंने रेजिडेंस अकोमोडेशन भी देना पड़ता है। ये स्टेट के अंदर कोई जगह से आ सकता, परंतु ये गांव का ब्रांच ऑफिस किधर सिचुएट होता था, ये ब्रांच ऑफिस के अंदर ये BPM उनको जिम्मेदारी पर वो अकोमोडेशन ऑफिस का प्लस उन अदर रहना पड़ेगा करके शर्त है। इस शर्त के लिए हम लोग यूनियन की तरफ से प्रयास कर रहा है, परंतु सरकार अभी तक ये फंडामेंटल इशू है, इस पर सुधार करने के लिए अभी हुआ नहीं है। इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर का भी यही इंस्पेक्टरों और ASP, SSP ये उच्च अधिकारी होता है, ये शाह का ABPM का काम करने का और BPM का काम का सहयोग करने का, डिलीवरी करने का, मेल वे करने का काम होता है। उनको भी कंडीशन लगा है ये CSC और IPBP में काम करने के लिए। इसी तरह उनको भी अकोमोडेशन इसी गांव के अंदर खुद रहना पड़ता है, यही एक शर्त है। और डाक सेवक का भी यही शर्त है, डाक सेवक को PRIPO, ASPO और SSPO है, इसी ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहना पड़ता है। साथियों, इसमें तीसरी कंडीशन है एलिजिबिलिटी आप एज का संबंध में, ये एज है मिनिमम 18 वर्ष से मिनिमम अप्लाई कर सकता, मैक्सिमम 40 वर्ष तक है। और इसी तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिया है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए OBC के लिए 3 वर्ष दिया है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, यही शर्त होगा। इसी तरह विशेष विकलांग और डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 से 15 वर्ष तक को एक रिलैक्सेशन दिया है, और क्वालिफिकेशन में भी मेट्रिकुलेशन मांगा गया, ये लोकल लैंग्वेज मतलब ये स्टेट में अंदर कोई स्टेट के अंदर अधिकृत भाषा मेट्रिकुलेशन में पढ़ना होना चाहिए, यही मेट्रिकुलेशन का है। ये सिलेक्शन ये पूरा सर्टिफिकेट वगैरह उनको आधार पर होता है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और प्लस नॉलेज साइकिलिंग का करना चाहिए, एडवोकेट मीन्स लवलीवुड उनको, ये GDS का प्रमुख ये कंडीशन है। ये अप्रैक्टिकल हो तो भी उनको जीने के लिए कोई जगह में लवलीवुड अदर सोर्सेस होना चाहिए करके इस नोटिफिकेशन में शर्त है। इसी तरह रिजर्वेशन का भी प्रोविजन बनाया है, रिजर्वेशन के संबंध में भी ये BPM के लिए और अदर फिजिकली चैलेंज्ड PWD और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इत्यादि के लिए भी ये अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक को रिजर्वेशन होगा। सेलेक्शन क्राइटेरिया में भी
ये ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और ग्रेड पॉइंट यदि आप लोगों CBSE में इत्यादि में पढ़ के आए हो तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का इसका मार्कशीट इसके संबंध में इस नोटिफिकेशन में दिया है। ग्रेड के आधार पर कैसे मार्क्स कैलकुलेशन करेगा इसका भी स्पष्ट नोटिफिकेशन में आया है। साथियों इसी तरह इनके बाद तो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करके डॉक्यूमेंट का उनके समय के अंदर उनको नोटिफिकेशन का सूचना दिया जाएगा। ये इस संबंध में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह इस नोटिफिकेशन में दिया है। 10-15 दिन के अंदर उनको ये करने के लिए किया। इसी तरह बहुत सारे अनेक्सर्स का भी इसमें दिया है। अंडरटेकिंग के लिए हम लोग लिख के देना है, मैं इस गांव में रेस्टेंस देता हूँ, इसी का रहने वे हम लोग का लवलीवुड दूसरी जीने के लिए दूसरी सोर्स से, इस तरह एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन का साइन करके देने के लिए भी कंडीशन लगाया है। ये पेमेंट ऑफ पी के लिए 100 रुपये रखा है। एप्लीकेशन वगैरह निर्धारित समय के अंदर डालना है, मेल ईमेल में सर डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना है। सेलेक्शन डिवीजन इत्यादि से उनके कौन सी डिवीजन में डालता है, एक डिवीजन का ये एप्लीकेशन कर सकता, ये डिवीजन उनको हो तो कंसर्न्ड ऑफिसर सेलेक्शन हो गए वो तो ऑटोमेटिक उनको मैसेज वगैरह इत्यादि आएगा। सेलेक्शन के लिए विंडो सिर्फ 3 दिन के लिए खुला जाएगा। इस संबंध में डिटेल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किया मॉडल नोटिफिकेशन में। इसी तरह बहुत अनेक्सर वगैरह है साथियों इसमें यदि आना चाहिए हो तो इसमें अगली कुछ समय के बाद यदि आपने अच्छा काम किया वर्कलोड हो तो कुछ महीने साल भर के बाद 5 घंटा के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता। और एक बहुत साइलेंट फ्यूचर से यदि आप सक्षम हो तो आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लिख सकता, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 5 वर्ष की सर्विस के बाद आप PA परीक्षा में लिख सकता। इसी तरह 5 वर्ष के पास पोस्टमैन का परीक्षा लिख के पास हो तो मेरिट के आधार पर वो डिपार्टमेंट का पोस्ट पर जा सकता। और भी 75% MTS पद को भी इसी तरह मेट्री सीनियरिटी कम्पिटनेस और मेरिट के आधार पर चुनाव होगा। इसका जिम्मेदारी का काम है, यदि इस कंडीशन का मानते हुए लोग आए हो तो इसमें डिपार्टमेंट लाखों लोग आएगा क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इसलिए ये यदि जाना चाहे हो तो ये अप्लाई करके उन्होंने कोशिश कर सकता। इसलिए इस जानकारी आम पब्लिक का भी ये नया रिक्रूट ग्रामीण क्षेत्रों में देने के लिए प्रसारित करने के लिए हम लोग एक वीडियो द्वारा आप लोग के पास भेज रहा है। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2023 ये साइकिल पर ही बोला जाता है, लगभग 40,000 के आसपास पद देश भर में भरा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।